सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से आप अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और आप स्टॉक मार्केट में जाए बिना स्टॉक मार्केट के बेनिफिट्स को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए या आपके जानने वालों के लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट वाला वीडियो है और ध्यान से समझेंगे विद इन 3-4 मिनट्स अपनी बात को वाइंड अप करेंगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट का मजा लेना है और स्टॉक मार्केट का रिस्क अवॉइड करना है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। हम म्यूचुअल फंड की बात करेंगे और हम म्यूचुअल फंड से स्टॉक मार्केट जैसे रिटर्न्स कैसे निकाल सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, घर बैठे ऑनलाइन विदाउट एनी एजेंट और SIP के ट्रेडिशनल सिस्टम से बाहर आके आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो बहुत ही सेफ तरीके से। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है और आप ET Money की एक ऐप आती है, ये इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ग्रुप की एक है, तो बहुत ही रिलायबल प्लेटफॉर्म है। छोटे मोटे म्यूचुअल फंड ऐप के थ्रू अगर आप पैसा लगाएंगे तो उनके एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क है, हो सकता है 2 साल बाद वो नजर ही ना आए। तो आप ET Money पे जाएंगे तो अपना इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का है, एक नीश कैटेगरी है, बहुत अच्छे ग्रुप से बिलोंग करता है। ET Money पे जाएंगे, वो कुछ फॉर्मेलिटीज पूछेंगे आपका, इनफैक्ट केवल पैन नंबर चाहिए होगा मेनली, डेट ऑफ बर्थ, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और वहां आपके बैंक अकाउंट की डिटेल वहां आपसे लिंक हो जाएगी। अब वहां पर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट अपने मन से कर सकते हैं। अब कैसे आप इसके बेनिफिट ले सकते हैं, वो जो भी आपकी कैटेगरी है, आप पर मंथ ₹500 लगाना चाहते हैं, आप पर मंथ ₹10,000 लगाना चाहते हैं, आप पर मंथ ₹50,000 लगाना चाहते हैं, जितना भी लगाना चाहते हैं, वो रिस्क एपिटाइट और फाइनेंशियल जो विजन है वो आपका अपना है। लेकिन आप सारी चीजों को लेकर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़िया से कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं कैसे। सपोज आपका बजट है महीने में, या आप अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस कर सकते हैं बात, कि अगर आपके पेरेंट्स का बजट है महीने में ₹10,000 का, आप 1,000 भी मान सकते हैं, आप 50,000 भी मान सकते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं 10,000 का। तो ये स्ट्रेटजी ये कहती है कि कभी भी 10,000 एक साथ मत लगाओ, बस आप केवल डेली न्यूज को या एक ऐप पे आप देख लेंगे, मनी कंट्रोल की ऐप डाउनलोड कर ले, निफ्टी का इंडेक्स कहां पर है, जिस दिन निफ्टी कम हो, बढ़े नहीं, ध्यान रखना है, जब निफ्टी क्रैश करे और कम से कम निफ्टी में 1.5-2% की गिरावट हो, 1.5-2, जैसे अभी निफ्टी चल रहा है 9,200 के आसपास, तो इसका 1.5% अगर देख लिया जाए तो लगभग हो गया 150 पॉइंट। तो जब भी निफ्टी 1.5-2% नीचे गिरे, बस उस दिन आप अपने टोटल मंथली इन्वेस्टमेंट का 5 इन्वेस्ट कर दो। आपको 10,000 लगाना है तो आप 2,000 लगाओ और अपनी ऐप से डायरेक्ट लगा सकते हो, मतलब आपको किसी एजेंट की मदद नहीं लेनी, बहुत ही आसान है, आप सीधे गए और आपने उस फंड में ₹2,000 की परचेसिंग और कर ली। अब ये आपको लग रहा है कि सुनने में आसान लग रहा है, कैसे करेंगे, तो करना और भी आसान है। तो और आसान है, आपको मैं फंड एक दो बता दे रहा हूं जो बिल्कुल सेफ साइड है। स्मॉल कैप छोटी कंपनीज में भी आप नहीं लगाएंगे, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे, आपको शुरू में लगाना है लार्ज कैप कंपनीज में जो बहुत सेफ होती है, ब्लू चिप कंपनीज बोलते हैं। तो सबसे बढ़िया फंड है फिलहाल एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस बैंक पैडिग्री है और इनका ब्लू चिप है, मतलब सबसे रोबास्ट कंपनीज में जो भी आप पैसा दोगे वो इंडिया की गिनी चुनी 7-8-10 बढ़िया कंपनीज में ही लगेगा, सबसे बड़ी कंपनीज में लगेगा। तो एक्सिस ब्लू चिप में आपको ₹2,000 करके लगाना है। सपोज आपने कल मंडे है मार्केट खुला और कल निफ्टी, मान वैसे कल निफ्टी उम्मीद है ऊपर जाएगा, लेकिन इनकेस मान लेते हैं निफ्टी नीचे आया, तो निफ्टी नीचे आया तो आपने निफ्टी में 1.5-2% गिरावट हुई, ₹2,000 के अपने उसमें म्यूचुअल फंड में यूनिट और खरीद लिए। फिर मार्केट बढ़ा, अभी आप रुके रहे, कुछ नहीं करा, फिर एक हफ्ते बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर आपने, तो आपको ₹10,000 जो आपके अकाउंट से SIP में एक साथ कट जाते थे वो नहीं कटना पड़ेगा और आप एक एक करके उसको पार्ट्स में खरीदोगे। और कब खरीद रहे हो आप म्यूचुअल फंड, जब मार्केट नीचे है, तो मतलब म्यूचुअल फंड के यूनिट आपको सस्ते दाम पे मिल रहे हैं और इवेंचुअली मार्केट जब ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तो ऊपर भागेगा, तो आपके पास जो म्यूचुअल फंड के यूनिट इकट्ठा हुए हैं वो हर बार आपने तब खरीदा है जब मार्केट करेक्ट होकर नीचे आई है, मतलब आपके पास यूनिट के दाम हमेशा सस्ते दाम पे मिले हैं, तो आपका फायदा हमेशा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट उतना ही ज्यादा दिखाई देगा। तो SIP में क्या होता है, वो रैंडम होता है, हर महीने एक सर्टेन डेट पर हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाता है, म्यूचुअल फंड के यूनिट आ जाते हैं, तो उस दिन हमें मालूम नहीं होता है कि उस दिन क्या है, मार्केट ऊपर है तो हमें म्यूचुअल फंड के यूनिट महंगे दाम पे मिलेंगे, मार्केट नीचे है तो सस्ते मिलेंगे। यहां पर आप अपने हिसाब से डिसाइड करोगे कि जब मार्केट कम है उस दिन आप क्या करोगे, थोड़े से यूनिट परचेस कर लोगे। तो अपनी जो भी आपके इन्वेस्टमेंट की हॉरिजन है, जो भी अमाउंट है, उसको आप पार्ट्स में लगाओगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। और आप कब लगाओगे, जब आपको लगेगा कि मार्केट कम हो रहा है, बस उस दिन थोड़ा सा 1,000-2,000 के खरीदो, इनफैक्ट आप ₹500 के भी यूनिट परचेस कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छे तरीके से आप अपने खुद के वेल्थ मैनेजर बन सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर बन सकते हैं, अपनी वेल्थ के रिटर्न को आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आगे वीडियोस में हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे स्टॉक मार्केट में आप कैसे पैसा लगा सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डेफिनेटली कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि किन चीजों पे आप वीडियो चाह रहे हैं। अदरवाइज मोस्टली हम वीडियोस व्हाट्सएप पे बात करते हैं अपने बच्चों से, लेकिन अब रिसेंट में हमने वीडियोस यूट्यूब पे डालना शुरू करा है, तो आप में से अगर कोई जानना चाहता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे तो कमेंट में आप हमें ये बता दें कि किस टॉपिक पे आप वीडियो चाह रहे हैं, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, एकेडमिक से रिलेटेड है, तो हम कोशिश करेंगे उन वीडियोज को भी हम जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाएं।